हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 117 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों का स्पेशल मैथ टेस्ट चल रहा है BSC अकेडमी पटना में। जो लोग पटना से हैं, इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। देखो, आज का सवाल क्या है, इस सवाल को मैं बता दूँ। अगर बेसिक से करना चाहोगे तो बेसिक तो बहुत ही नॉमिनल है, ठीक है। CP और वगैरह, प्रॉफिट और SP का रेशियो लेके निकालना होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप मिक्सचर एलिगेशन के तरीके से करते हो, ठीक है, एलिगेशन का फॉर्मूला यूज़ करके, तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। देखो क्या बोल रहा है, कल्पिस्ट परचेज्ड 450 पेंस, उसने 450 पेन खरीदे ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरह के, सच डैट ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 9%, 10% एंड 12%। उसने प्रॉफिट कितना अर्न किया, 9, 10 और 12% रिस्पेक्टिवली ऑन ईच टाइप। हर एक पे इतना इतना का प्रॉफिट रहा। तो मैंने मान लिया कि वो ए टाइप का था, बी टाइप का था और सी टाइप का था, ठीक है। ए पे अर्न किया उसने 9%, बी पे अर्न किया उसने 10%, सी पे अर्न किया उसने 12%, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 66/7% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट टू टाइप, ठीक है। यानी फर्स्ट टू टाइप पे उसने कितने की प्रॉफिट अर्न की, 66/7% की, एंड 10% प्रॉफिट, 10% ओवरऑल प्रॉफिट ऑन ऑल आइटम, यानी कि तीनों आइटम पे उसने कितने प्रॉफिट अर्न की है, 10% अर्न की, ठीक है। अब देखो, यहाँ से ए और बी की सिंगल वैल्यू मालूम और उसकी कॉम्बो वैल्यू मालूम, तो हम यहाँ से ए और बी में एलिगेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो, ए और बी में जब एलिगेशन लगाएंगे हम लोग, तो क्या हमें मिलेगा, यहाँ पे ए में हमारा है 9%, ठीक है, बी में हमारा है यहाँ पे 10%, और यहाँ पे बीच में हमारा ए बी का कॉम्बिनेशन लगेगा, यानी कि ए बी का कॉम्बो 66/7%। एलिगेशन जब लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 66/7 -9, और यहाँ पे हो जाएगा 10 -66/7, ठीक है। घटाएंगे जब यहाँ से, तो ये हमें देगा 4/7 रेशियो 3/7, और यही हमारा रेशियो है ए और बी का, क्या रेशियो आ गया, 4:3, ठीक है। ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 4:3। अब देखो, यहाँ पे हमें क्या दिए हुए है, ए बी सी दिए हुए है। ए बी सी यानी कि तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे एलिगेशन कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग ए बी का एलिगेशन लगाएंगे, यानी कि ए बी का प्रॉफिट परसेंट देखेंगे और यहाँ पे सी का प्रॉफिट परसेंट देंगे। ए बी का कितना है हमारा 66/7, सी का कितना है हमारा 12%, ठीक है। और यहाँ से ए बी सी का दिए हुए है 10%। एलिगेशन जब लगाया हम लोगों ने, तो यहाँ पे 2 मिल गया, और यहाँ से हमें अभी घटाया था मैंने, हम लोगों ने क्या मिला था, 4/7। यानी ए प्लस बी रेशियो सी की वैल्यू जो निकल गई, 2 से अगर इस 2 को हम लोग काट दें तो क्या निकल गई, 7:2। अब देखो, एकदम रेशियो पे ही चलना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 7, और ए बी की वैल्यू कितने रेशियो में कितने दिए, 4:3। यानी ए का मान जो हो जाएगा वो 4 यूनिट होगा, बी का मान जो हो जाएगा वो 3 यूनिट होगा, और सी का मान यहाँ से हम लोग ले लेंगे कितना, 2 यूनिट, ठीक है। यानी ए रेशियो बी रेशियो सी अगर हमें लिखना होगा तो वो क्या होगी, 4:3:2, ठीक है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये निकला क्या है, ये हमारा एक्चुअली में ये निकला है CP, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग क्वांटिटी के तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि CP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्वांटिटी, ठीक है। CP जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जब CP का रेशियो हमारा 4:3:2 है, तो क्वांटिटी के लिए भी हम लोग बोलेंगे ए बी और सी का रेशियो कितना, 4:3:2। टोटल क्वांटिटी हमारी 450 है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, 450। यहाँ से टोटल जब करेंगे 43729, ठीक है, यानी 9 यूनिट का मान हमें 450 मिल गया, तो 1 यूनिट के वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50। अब हमसे इंडिविजुअल पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ पेन इन ऑल थ्री टाइप्स, हर एक टाइप में, यानी 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 50 यानी कि 200, ठीक है। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 50 डेट इज़ 150, एंड 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू 2 × 50 डेट इज़ 100, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है 200, 150 एंड 100 पेंस थे, वो अलग अलग वैरायटी के, यानी ए वैरायटी के पेन जो थे वो 200 थे, बी वैरायटी के पेन जो थे वो 150 थे, और सी वैरायटी के जो पेन थे वो 100 थे, ठीक है। बस यही हमें निकालना था, होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।